मैं बता रहा था, इस फिल्म में मैंने फोटोग्राफर का किरदार किया है और मेरा नाम इस फिल्म में राकेश है। और हमने राकेश श्रेष्ठ जो बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर हैं, उनका काफ़ी स्टाइल और उसके कपड़े का स्टाइल काफ़ी कुछ मारा है। काफ़ी समय के बाद आप गोविंदा जी के साथ एक्टिंग कर रहे हैं इस फिल्म में, 10 साल के बाद। कैसा अनुभव रहा इस फिल्म का और पहले कैसा अनुभव रहा था? व्हाट इज द चेंज यू सी इन हिम नाउ? वेल, आंखें जब हमने की थी वी वर बॉयज 10 साल पहले, नाउ वी आर मेन मैच्योर्ड। और इस फिल्म में हमारी शादी हो गई है। प्रीति गोविंदा की वाइफ है और मेरी वाइफ है आरती छाबरिया। और गोविंदा बड़े सुखी है अपने ज़िंदगी में, अपनी बीवी के साथ, अपनी शादी के साथ। और मेरा डिवोर्स होने वाला है फिल्म में, और ये दो कपल्स मिलते हैं किधर, और बस 15-20 दिन की कहानी है उनकी, क्या होता है उसमें। मेरी बीवी उनके पास चली जाती है, उनकी बीवी मेरे पास चली जाती है। तो कुछ इस पर आप दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री नजर आई? आंखें में हम लोग एक दूसरे के साथ थे हमेशा, इसमें हम एक दूसरे के टक्कर में ये डिफरेंस है इसमें। नेक्स्टली अगर कोई मेरी बीवी को चुरा के ले जाए तो फिर ऐसे ही होगा ना। फिल्म थोड़ी डिले हो गई थी, तो वाज इट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू ऑन अ पर्सनल लेवल? नो नो नो, आई मीन अच्छे रीज़न के लिए हमारे भाई एमपी बनने निकले और एमपी बन भी गए, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ वक्त जब सही होता है तब सब कुछ सही हो जाता है, और ये सही वक्त है फिल्म रिलीज़ करने के लिए। ये बताइए कि बांग्लादेश में आप सुपरस्टार माना जाते हैं, इसके बारे में बताइए, किस तरह का क्रेज़ है, कौन की हुई है आपने? देखो, बांग्लादेश में मैंने 7-8 साल पहले काम किया और मेरी 2-3 फिल्में बहुत अच्छी गई है उधर, जैसे कि शामी केनो, आशामी में, मीरो मानोश। लेकिन दिल तो है हिंदुस्तानी और मेरा दिल है बॉलीवुड में, तो बस मैं इधर ही टिकने वाला हूँ। इसके वजह से मैं जाना हूँ, आई मीन सब लोग जानते मुझे, और आई डोंट वांट टू एवर लीव बॉलीवुड एंड गो एनीवेयर। वो कर लिया, चलो एक थोड़ा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर लिया, बांग्लादेश में जाके काम कर लिया, बट बॉम्बे इज़ वेयर आई बिलोंग। गोविंदा जी ने बताया था कि जब फिल्म में आपको रोल ऑफर किया तो आपने कहा कि 4 दिन, फिर अगले 4 दिन, फिर अगले 4 दिन, क्या यही वजह थी कि बांग्लादेश की फिल्म आपको ज़्यादा? हाँ, मैंने सच्ची गोविंदा के ऊपर गोविंदा कर लिया। उसके शूटिंग में 1 हफ्ता लेट पहुँचा, लेकिन वो कोई बांग्लादेशी फिल्म के लिए नहीं था। मैं यूरोप में शूटिंग कर रहा था वीनस के लिए, फिल्म का नाम था ऐलान, जो इस जनवरी में लगी थी विक्रम भट्ट की डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट पहुंचा इनकी शूटिंग में, और सबके सामने माफ़ी चाहता हूं गोविंदा से फॉर कमिंग लेट, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। चंकी, आप डी में भी एक्टिंग कर रहे हैं, उस फिल्म में आपका किस तरह का किरदार है? उसके बारे में मैं इस वक्त सुख के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन डी एक टोटली डिफरेंट फिल्म है। और राम गोपाल वर्मा जी ने जो फिल्में बनाई इसके पहले, सत्या और कंपनी, ये वो लेवल की फिल्म है। अब फिल्म देखिए आपको पता चलेगा। उसमें मैं थोड़ा, मेरी शक्ल भी उन्होंने थोड़ी बहुत चेंज की है, दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल है। और कैरेक्टर के बारे में आप फिल्म देखिए, फिर आप मुझे बताइए आपको कैसे लगा।